भाई कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। ओह शिट, ये देखो भाई पूरा पहाड़ गायब। ओ भाई ये कहाँ भाग रहा है अकेला अकेला? इसके दोस्त वोस्त कहाँ हैं? ब्लैक स्पॉट, 110 कैजुअलिटीज और 2 डेथ हुई है भाई। ये एरिया बहुत ही खतरनाक है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ सच पास सीरीज, जिसको बोल सकते हैं किलार किश्तवाड़ सीरीज, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड है। हम हैं अभी लहर में, मतलब वैसे तो हम लहर में हैं ही, बट इस जगह का नाम लहर है। आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो भाई बहुत ही सुंदर जगह है। रात के 8 बज गए थे जब हम यहाँ पहुँचे थे, बहुत रात हो गई थी इसलिए हमने व्लॉगिंग नहीं करी इतनी। तो अभी उठे हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे रेडी हैं, सिर्फ हमारे ग्रुप के 2 बंदे हैं जो रेडी होने वाले हैं। रेडी होते ही हम लोग यहाँ से गोली हो जाएंगे। चेन ल्यूब एंड क्लीन हमने रात को कर ली थी। मेरे साथ है भूषण भाई। भूषण भाई, हेलो एवरीवन, हेलो गुड मॉर्निंग। तो पहली जावा बॉबर जाने वाली है किलार किश्तवाड़। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और कल हमने बात करी थी इस मतलब रेस्टोरेंट के ओनर से, जो होटल के ओनर है, उनसे हमने बोला कि भाई हम बॉबर भी लेके जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ पे अभी तक ये बाइक आई नहीं है, मतलब जो हमारी बाइक है फेयरिंग वाली वो भी नहीं आई है और बॉबर तो आई ही नहीं है। बॉबर आई नहीं। तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था ये कैसे जाएगी। हमने कहा लेके जाएंगे। तो भाई चैलेंज है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली है, बट लेके जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे बट करके दिखाएंगे। आज जो है हम लोग सच पास करने वाले हैं एंड कल आपको देखने को मिलेगा किला टू किश्तवाड़। तो अभी निकलते हैं आगे, अभी ऊपर करते हैं ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद आपको देते हैं बाकी सारे अपडेट्स। श्योर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। एंड ये था रेस्टोरेंट और इसके नीचे है होटल। यहाँ पे हमने अपनी बाइक्स लगा दी थी, दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। तो टैंक बैग मैंने अपनी बाइक पे अभी लगा लिया है एंड ये रहा सारा लाइनअप। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं आगे। भाई व्यू एक नंबर हो रखा है, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। तो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं एंड ये देखो भाई डलहौजी यहाँ से 10 किलोमीटर है, खजियार 32 एंड चंबा 50, किलाड़ 215। तो अभी हमें जाना है किलाड़, 215 किलोमीटर। भाई साहब शाम होने वाली है पहुँचते पहुँचते, बट ऐसी रोड्स रहेंगे ना तो क्रेजी मज़े मज़े आने वाले हैं। देखो बॉय क्या ही बादल आ रखे हैं, दिस इज़ लुकिंग सो वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो क्या ही मस्त लग रहा है। हाँ जी, बनी खेत में आपका स्वागत है। तो इस जगह को बनी खेत कहते हैं। देखो भाई साहब यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आ रखे हैं, काफ़ी सारी बसेस भी हैं। ये देखो हमारी कर रहे हैं वीडियोग्राफी। बनी खेत इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। देखो यहाँ पे तो भाई अपने दिल्ली की तरह फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, ये शायद गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होंगे। विजय विहार इस जगह का नाम है। और लेफ्ट साइड में देखो भाई क्या ही पॉपुलेशन है यहाँ पे बनी खेत में। एंड यहाँ से चंबा है 46, भरमौर है 109, किलाड़ 211। डलहौजी के लिए राइट साइड में रास्ता कट रहा है बट हमें जाना है सीधा। देखो भाई सब क्या ही रिएक्शन आ रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया मार्केट है यहाँ पे देखो, और अच्छी खासी मार्केट है। शाम को तो भाई मज़ा ही आ जाता होगा यहाँ पे घूमने में। चंपारण हांडी मटन, ओके ये यहाँ पे फेमस होगा, काफ़ी बड़ी शॉप है। भाई बनीखेत तो बहुत ही सुंदर जगह है। देखो वो बॉय राइट साइड में देखो पेड़ कैसे दिख रहे हैं, क्या ही खतरनाक लग रहे हैं। एंड थोड़ा सा ओपन एरिया एंड उसके बाद फिर से मार्केट शुरू। ऑलराइट दोस्तों, हम आ चुके हैं चंबा विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे भाई बहुत सारी फैक्ट्रीज है स्टील की, नीचे देख सकते हो भाई
सरिये वगैरह बना रहे हैं वो लोग। और ये देखो भाई क्या ही बढ़िया मार्केट है। काफी पॉपुलेटेड एरिया है ये, देखो ओ भाई व्हाट अ नजारे, व्हाट अ सीनिक व्यू मैन। कितना ही सुंदर लग रहा है भाई, कितना ही सुंदर लग रहा है। अभी तो भाई फिंगर्स क्रॉस्ड जब सचपास हम पहुंचेंगे, जब ये सारे पहाड़ बंजर हो चुके होंगे यार कसम से, तब तो बहुत मज़े आने वाले हैं। एंड अपनी बाइक में जो डला हुआ है ना कैस्ट्रॉल पावर वन, उसकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस एक नंबर चल रही है लिटरली में। देखो जैसे रेस देते हैं पहाड़ों पर भी मस्त पावर है, इंजन बिल्कुल साथ के साथ परफॉर्म करता है। ये देखो भाई क्या ही नज़ारे हैं, क्या ही नज़ारे। ओ ये देखो हमारा दोस्त हमारी वीडियो बनाते हुए। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हिमाचल को, तो इसलिए हर जगह पे ना आपको कंस्ट्रक्शन ही देखने को मिलेगा। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, यहाँ पर सिर्फ बसेस चलती है लोकल काम के लिए भी, या फिर आपको मार्केट वगैरह भी जाना हो तब भी, वो वाला सीन नहीं है कि ऑटो वगैरह या सब कुछ। ओके जी तो हम यहाँ से जाएंगे सीधा सीधा आगे को, एंड आगे भाई ख़तरनाक वाले पहाड़ ना अब दिखने शुरू हो गए हैं दूर दूर। चंबा यहाँ से 34 किलोमीटर है एंड है भरमौर 96। वाओ भाई साहब व्हाट इज दिस, क्या ही ख़तरनाक रोड है भाई, क्या ही ख़तरनाक रोड है। दिस इज़ सो वेरी ब्यूटिफुल। देखो ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है किसी के घर की तरफ, एंड अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छाँव है तो हमें रिलैक्स फील हो रहा है। रोड धीरे धीरे ना पतली होती चली जाएंगी, उसके बाद ऐसी रोड आ जाएगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइक ही निकल सकती है। तो यहाँ पे सामने एक मंदिर है, जय श्री राम। ओ मी गॉड दिस इज़ सो वेरी ब्यूटिफुल। नीचे लेक का क्या ही नज़ारा है। ऑलराइट दोस्तों ये सारा जो है ना शूटिंग स्टोन एरिया है। ये देखो भाई ये सारे पत्थर ना ऊपर से गिरते हैं, रोड ही गायब है भाई साहब। ये देखो राइट साइड में लेफ्ट साइड में जितने भी पत्थर वगैरह रखे हुए हैं ना, ये सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं क्योंकि ऊपर से जो है पत्थर गिरते हैं, तो बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। ये देखो हम कहाँ आ गए, अंधेरे से बिल्कुल उजाले में आ चुके हैं हम। धूप वैसे बहुत ज़्यादा है बट जैसे बाइक चलेगी ना तो पता नहीं चलता। हम भाई एंजॉय करते हुए देखो धीरे धीरे चल रहे हैं 40-50, फुल एंजॉय यार फुल एंजॉय। भगा के क्या करना है, जब मन करेगा तब भगा लेंगे। अभी वैसे 650 किलोमीटर चल चुके हैं अपनी बाइक टोटल घर से लेके अब तक, एंड आई गेस 200 से 300 किलोमीटर और चलेगी तो हमारा वन साइड वाला जो रूट है वो कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग जब वापस निकलेंगे तो हम निकलेंगे जम्मू से। ये देखो भाई ये कोई गांव है, कितने से लग रहा है। यहाँ की ब्यूटी भाई बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग। ब्लैक स्पॉट 110 कैजुअलिटीज़ और 2 डेथ हुई है भाई। ये एरिया बहुत ही ख़तरनाक है, अगर यहाँ पे आप लोग आओगे ना तो बहुत तरीके से आना। देखो पत्थर वत्थर भाई गिरते रहते हैं, ये होता है ब्लैक स्पॉट। ये देखो आपने ब्लैक स्पॉट क्रॉस कर लिया है पहला वाला। तो भाई जब भी आप आओ ना तो ऐसे बोर्ड्स वगैरह पढ़ते रहा करो चलते चलते, मतलब धीरे ही चला करो और बोर्ड्स भी पढ़ते रहा करो तो आप सेफ रहोगे एंड आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। ओ भाई कितना ही लंबा पेड़ है, इस साइन का मतलब है कि रोड पे भागते हुए हिरन आ सकते हैं, तो आप संभल के चलिए क्योंकि ये उनका घर है।
यहाँ पे हमने रास्ते बनाए हैं अपने लिए। इतनी मस्त हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी, लिटरली में मज़ा आ रहा है। ये देखो भाई, ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये ऊपर से ही गिर रहे हैं। किलाड़ इज 193 किलोमीटर, सच पास 141। ओ मैन भाई, सच पास का बोर्ड आ चुका है 141 किलोमीटर अहेड। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मतलब मोस्टली मेरा फोकस यही होता है कि मैं ऐसी ही वीडियोस डालूं। संडे राइड की वीडियोस मैं बहुत कम डालने लग गया हूँ, बट ये ट्रैवलिंग व्लॉग्स ना बहुत सही चल रहे हैं और आप लोगों को पसंद भी आते हैं। ओ भाई साहब, इतनी सारी भेड़ बकरियाँ, ये देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक। क्या ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे भी। ऑल राइट, सो अभी हम जो क्रॉस करने वाले हैं वो है ब्लैक स्पॉट 3। तो यहाँ पे भी भाई बहुत सारे लोगों की जान गई है सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट की वजह से। तो भाई धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये देखो शायद यही है वो ब्लैक स्पॉट, ये देखो भाई साहब, किसी को पता ही नहीं चलता कि यहाँ से बिल्कुल एकदम कर्व होगा एकदम यू। सो दोस्तों वेलकम टू शानिद, इस विलेज का नाम शानिद है। देखो बड़ा रिएक्शन, रिएक्शन ही रिएक्शन, बच्चों को पसंद है अपनी जिक्सर। आज सच में भाई मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। बाकी कुछ दोस्त अपने आगे हैं, कुछ दोस्त अपने पीछे हैं, तो धीरे धीरे आ ही रहे हैं सारे सेम रोड पे ही। सब अपने अपने मज़े में चला रहे हैं, कोई फास्ट चला रहा है, कोई स्लो चला रहा है, कोई मज़े लेते हुए चला रहा है, कोई रुकते रुकाते चला रहा है। तो भाई कोई टेंशन नहीं है अपना। यहाँ पे सच पास जो रह गया है वो अराउंड 130 से 135 किलोमीटर रह गया है। ओ बाय, ऑफ रोड, ओ शेट शेट, उधर चलो उधर। ओ बाय ये देखो भाई कैसे पत्थर निकला हुआ है अलग से ही। ये मुझे लग रहा है भाई लैंडस्लाइड वाला एरिया है। देखो भाई पूरा का पूरा पहाड़ ही नीचे आ रखा है। ये देखो रोड भी पूरी इस वजह से ही टूटी हुई है, क्योंकि ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते हैं ना तो रोड बिल्कुल टूट जाती है। ये देखो ये अभी सफाई नहीं हुई है, हमें शायद नीचे की तरफ ही जाना है। देखो भाई ये मुझे लग रहा है टूट गया था पूरा, इसको फिर से बनाया गया है। देखो अब ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल खुले एरिया में आ चुके हैं। वो देखो भाई साहब दूर दूर तक क्या ही मस्त नज़ारे आ रखे हैं। ओ भाई ये कहाँ भाग रहा है अकेला अकेला, इसके दोस्त वोस्त कहाँ हैं? ओए ऑलराइट दोस्तों, हम आ चुके हैं परेल ब्रिज पे और ये देखो भाई नदी जा रही है, क्या ही मस्त ठंडा पानी होगा ना। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से। देखो हमें जाना है ऊपर, वो देखो हमारी एक ड्यूक जा रही है एंड बाकी सारे राइडर्स आगे जा चुके हैं। तो चलते हैं आगे भाई साहब, बहुत कुछ ख़तरनाक होने वाला है मस्त। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, देखो हम भाई राउंड एंड राउंड करते करते भाई चढ़ाई पर चढ़ते जा रहे हैं और चढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारी रोड्स ना ऊपर को ही चढ़ रही हैं। तब तक लोकेशन देख लेते हैं कि कितना टाइम हमें लगने वाला है। 154 किलोमीटर्स मोर। और ये तो बहुत तगड़ी जगह है, यहाँ पे तो कैफ़े वगैरह हैं एक से एक मस्त मस्त। एंड यहाँ पे है एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प, बट अभी तो हमारी टंकी जो है ना वो फुल है, तो हमें ऐसे ज़रूरत तो नहीं है। और अभी तक यहाँ पे आपको एक भी जिक्सर देखने को नहीं मिलेगी। तो भाई प्राउड फीलिंग मैन, प्राउड फीलिंग, पूरी दुनिया की पहली जिक्सर ऑन किला टू किश्तवाड़, द वर्ल्ड्स डेंजरस रोड्स। गाइस रास्ते देखो कितने पतले हो चुके हैं, ये देखो बीच बीच में रास्ते बहुत पतले हो रहे हैं एंड उसके बाद रास्ते फिर से चौड़े हो जाते हैं। वाह भाई साहब मज़े। बाकी ये देखो भाई बंजर पहाड़ जो है शुरू हो चुके हैं। 5 घंटे हमें और लगेंगे
किलार पहुंचने में उससे पहले हम लोग कर चुके होंगे सच पास, फर्स्ट जिक्सर एट सच पास। बाय क्रेजी फीलिंग होने वाला है। ये देखो भाई रोड गायब, ओ शिट। बैरागढ़ 83 किलोमीटर मोर हिमाचल परिवहन। ओ ये देखो भाई सब कैसे मोड़ते हैं ये लोग, देखा आपने? ये देखो रोड का साइज देखो कितना पतला हो गया है। सो दोस्तों दिस प्लेस इज कॉल्ड पुखरी एंड यहाँ से बैरागढ़ रह गया अराउंड 75 किलोमीटर्स। देखो ये भी अच्छी खासी जगह है, मार्केट वगैरह है यहाँ पे। वो देखो सामने बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई है, तो वेल सेटल्ड जगह है ये भी पुखरी। हाँ जी दोस्तों हमारी आने की खुशी में देखो नई नई रोड बनी है एकदम चमचमाती हुई। पहले ये रोड पूरा ऑफ रोड हुआ करता था, अभी देखो कितना सही लग रहा है। बट सड़क की चौड़ाई देख रहे हो, यूँ देखो यहाँ पे तो बस एक गाड़ी निकल सकती है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बैरागढ़। ये देखो क्या ही सीन है। तो बैरागढ़ यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर रह गया। सो दोस्तों सरप्राइज, देखो भाई क्या ही सुंदर नज़ारे। एंड ये देखो राइट साइड में बंजर पहाड़ हमें दिखने शुरू हो चुके हैं। क्लिफ हैंगर का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। ये देखो भाई क्या ही खतरनाक नज़ारे हैं, कितना ही सुंदर लग रहा है यार ये। एक तरफ इतना हरा भरा पहाड़ और एक तरफ ये देखो हम कहाँ पे चल रहे हैं। भाई साहब बच के चलना पड़ता है, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है बहुत खतरनाक वाली। राइट साइड में देख सकते हो आप ये जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं ना, ये सारा लैंडस्लाइड हुआ है, डरावने बिल्कुल। ओ वाह वो देखो क्या छत टाइप की बना रखी है, ये देखो क्या सही लग रही है। तो भाई अपनी ट्रिप का पहला वाटरफॉल देखने को मिल चुका है एंड हेयर इट इज। भाई क्या सही है यार, ये देखो क्या ही मस्त है। ऑलराइट दोस्तों हमने सोचा कि भाई यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। ये देखो भाई क्या ही ठंडा पानी है। ओए ओए ओ भाई साहब वो देखो भाई कहाँ से पानी आ रहा है, क्या ही सही लग रहा है। देखते हैं भाई पानी ठंडा या नहीं। वैसे हमारे जूते ना वाटरप्रूफ नहीं है, बट फिर भी ट्राई तो करना है कुछ खुराफाती। क्या ठंडा पानी है भाई साहब, मज़ेदार भाई क्या मस्त है ना। टेस्टिंग डन फाइनली। मेरा तो वाटरप्रूफ नहीं है फिर भी मैं चला ही गया, बट मज़े आ गए गाइस। दिस इज़ अ क्रेजी फीलिंग बाय अल्टीमेट लेवल। ऑलराइट दोस्तों यहाँ से बैरागढ़ जो है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स रह गए एंड उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं सच पास। देखो भाई क्या अल्टीमेट नज़ारे हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड सी हो रखी है, ऊपर से पत्थर गिरा था यहाँ तक, देखो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। बट रोड्स आर डिसेंट, बीच बीच में ऐसे ख़राब पैच आ जाते हैं थोड़े बहुत, वो भी इस वजह से क्योंकि ना ऊपर से लैंडस्लाइड होती है तो रोड जो है उस पर पत्थर गिरते रहते हैं और वो टूट जाती है, सो दैट इज़ द रीज़न। बाकी आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ऐसे खूबसूरत नज़ारे। यहाँ के लोकल्स तो ऐसे चौड़ के चलाते हैं ना, जैसे पूरा का पूरा रोड इन्होंने ख़रीदा हुआ है। ये देखो कितना बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा होगा, अगर इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं ना ऊपर से तो भाई हालत ख़राब। हिमाचल पथ परिवहन। ओ शिट ये देखो भाई पूरा पहाड़ गायब, रोड ही गायब। ऑलराइट दोस्तों ऑफ रोड वाला जो पैच है ना वो स्टार्ट हो चुका है, देखो फुल ऑफ रोड है। अभी तो हम लोग यहाँ से घूम के जा रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे जो लेफ्ट साइड में ब्रिज बन रहा है ना, आप लोग शायद इस ब्रिज से आओगे
अगर इन केस आप लोग घूमने आते हो तो। देख रहे हो इस ब्रिज से आपको आना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे जा रही है नदी बहुत ही सुंदर सी। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, आने वाले एक दो सालों में ये रेडी हो जाएगा और अब देखो फुल ऑफ रोड आप आएंगे असली मज़े। सही है निकल गई। तो भाई यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड हो गई थी, तो भाई जेसीबी को बुलाया गया है, यहाँ से सारी मिट्टी जो है वो नीचे फेंक रहा है। तो ख़तरनाक ही सिस्टम है भाई, ये देखो रोड की रोड ही गायब हो जाती है, इतना लैंडस्लाइड हो जाता है यहाँ पे। बाकी अपडेट्स दे देता हूँ आपको, तो यहाँ से किलार जो है वो रह गया है अराउंड 100 किलोमीटर एंड जो सच पास है सच पास थोड़ा ही रह गया। बाइक की परफॉर्मेंस एक नंबर, देखो 724 किलोमीटर टाइम हो रहा है 254। ओह नाउ फाइनली इतनी चौड़ी सड़क और इतने प्यारे नज़ारे। ऑलराइट दोस्तों अपडेट कुछ ऐसा है कि किलार यहाँ से 98 किलोमीटर्स रह गया, बैरागढ़ 29 एंड सच पास जो है 62। वैसे हम यहाँ से ले भी जा सकते हैं 599। क्या कह रहे हो आप लोगों ने ले वाली सीरीज़ नहीं देखी क्या? नहीं देखी तो फटाफट से जाओ और ले वाली सीरीज़ देखो भाई, हमने ले लद्दाख भी कर दिया इस बाइक के साथ। तब्बाही व्लॉग्स हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं मोटिवेट हुआ एंड उसके बाद हम कर रहे हैं इस बार वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स विच इज़ किलार टू किश्तवाड़, जिसको क्लिफ हैंगर भी बोलते हैं। जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं देखो कुछ नज़ारे अलग ही होते जा रहे हैं। ये देखो भाई क्या सीन है, खतरनाक भाई, क्या ही खतरनाक सीन्स हैं यहाँ पे। देखो भाई रोड टूट चुकी है पूरी की पूरी, नीचे धस गई है। हाँ जी दोस्तों सच पास की जो रास्ता है उस पर देखो ऐसे पूरे पत्थर पत्थर लगा दिए हैं, क्योंकि ना ये पूरा ऑफ रोड हुआ करता था पहले। अभी देखो ये पत्थर लगाने की वजह से काफ़ी राहत मिली है, तो अभी मतलब हर कोई बाइक वाला लेके आ सकता है। अभी तक तो ठीक है, आगे मुझे लग रहा है फुल ऑफ रोड होने वाला है, तो आई एम नॉट श्योर। रोड ट्रिप बहुत ही मस्त चल रही है। टाइम हो रहा है 3:00 ऑलमोस्ट 20 मिनट। ओ ये कैसे घर हैं, पीला नीला लाल। सो फाइनली ये वाला पहाड़ हम छोड़ रहे हैं, अब हम इस पहाड़ में एंटर करने वाले हैं इस ब्रिज के थ्रू ऐसे। अब हम एक नए पहाड़ में एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे भी बहुत सारा लैंडस्लाइड है। भाई कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, चलो बाय बाय। भाई साहब बच्चों को बाइक इतनी पसंद आई ना, दिल खुश हो गया यार, दिल खुश, मज़ा आ गया। टाइम लगा इन सबके साथ, इनसे मिले हम, बातें बातें करी, बट इट वॉज अ क्रेजी फीलिंग यार, क्रेजी फीलिंग, मज़ा आ गया। बहुत प्यारे बच्चे थे, यहीं के थे लोकल, एंड मेरे से पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रहे हो ये वो, मैंने सब बताया, कहते आज आप पहुँच जाओगे, मैंने बोला हाँ जी पहुँच जाएंगे, बिल्कुल पहुँचना ही पड़ेगा। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, तो फ़ोटोज़ देखने के लिए आपको पता है ना कहाँ जाना है, इंस्टाग्राम पे। ओ भाई ये देखो अलग सही कहाँ से निकला हुआ है, सारे पेड़ ही ऐसे हैं, देखो अलग से बाहर बाहर निकल रखे हैं।